एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, हेल्थ के भी एक पार्ट के बारे में, मोटापे के बारे में। एक्चुअली क्या है कि मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा मोटी। निर्गम के होने के बाद भी मैं बहुत मोटी हो गई थी और अभी एंजल के होने के बाद भी बहुत मोटी हो गई हूँ। तो जब नितिन के होने के बाद मैं मोटी हुई थी तो मैंने अपना वेट बहुत जल्दी लूज किया था। तो अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि जब भी मैं अपना वेट लूज करना स्टार्ट करूं तो मैं उन लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या क्या करती हूं। और वो लोग जो भी हेल्दी टिप्स है तो मतलब उनके साथ शेयर करो कि तुमने जो नितिन के टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में जो तुमने वेट लूज किया था वो तुमने कैसे रिड्यूस किया फिर। और तो लोगों ने मुझे बोला कि वो लोग भी वैसा ही करेंगे, तो इसीलिए अभी मैंने सोचा कि एंजल एक साल की होने वाली है तो मुझे अब लूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी बेचारी ड्रेसेस हैं वो अलमारी में बड़ी बड़ी मुझे देखती रहती है कि मुझे कब पहनोगे। तो अभी मैंने फाइनली सोचा है कि मैं आज से वेट लूज करना स्टार्ट करूँ। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ खाने पीने से रिलेटेड बातें शेयर करूँगी कि क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, और कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह करेंगे। पहले हम लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज योगा करेंगे ताकि हमारा बॉडी हर्ट ना हो। एंजल, तो उसके बाद धीरे 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 हार्ड स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग भी वेट लूज करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरा वेट लूज हो रहा है तो इट मीन आपका भी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग एंजल, गुड मॉर्निंग, हाय। तो एंजल अभी उठी है, अभी पता नहीं मुझे एक्सरसाइज करने देगी कि नहीं करने देगी, देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रेगुलर करने की एक्सरसाइज, तो मैं रेगुलर वीडियोस इस पर डालती रहूँगी। आप लोगों को क्या करना है, मेरा वीडियो देखना है और साथ में उसको फॉलो करना है। और साथ में मैं बता दूँ कि मेरा वेट 65 प्लस हो गया था, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले अपना वेट फिर से किया था, तो मेरा वेट अभी 62.5 kg है। मैंने पहले अपना वेट 50 से भी कम लेके आया था, तो अभी मेरा टारगेट है कि 50 तो हो जाए एटलीस्ट। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं होने में। इन सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आज लग रहा है कि मुंबई में मॉनसून आ गए अच्छे से। आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है रात से। और नित्यम गया है स्कूल इतनी बारिश में। अगर आपको पीछे से आवाज आ रही हो तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। गुगू, चलो एक्सरसाइज करें। स्टार्ट करते। तो देखें मैं क्या क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, और फिर मैं उसके बाद खाने पीने के बारे में भी आपसे शेयर करूँगी। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के बाद मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ। बॉडी बहुत अकड़ी हुई होगी अभी, बहुत पेन होगा, होगा भी नहीं होगा एक्सरसाइज ढंग से, लेकिन आप लोगों को करना छोड़ना नहीं है, करते रहना है। 2-3 दिन, 4 दिन लगेंगे पर होगा। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, पहले दिन भी दूसरे दिन भी नहीं हो रहा है तो आप हार मान जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करते रहना है। बस मैंने ठान लो कि मैंने अपना वेट लूज करना है तो करना है, और होगा ही, मेरी गारंटी है। अगर आप पूरे दिल से करना शुरू कर दे काम, कोई भी हो जाए, वेट लूज करना इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नमस्कार की पोजीशन में खड़े होंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे जो हमारी डबल चिन हो जाती है वहाँ के फैट को कम करने में हेल्प मिलती है।
इस क्रिया को हम लोग 10-10 बार दोहराएंगे। फिर इसके बाद अपनी बाजुओं को सामने की ओर सीधा रखें, मुट्ठियां बंद करें और अपनी कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इस क्रिया को भी हम लोग 10 बार दोहराएंगे। फिर इसके बाद अपनी मुट्ठियों को खोलें और बंद करें। अब अपने हाथों को सीधा ऊपर लेके जाएं और आगे की तरफ झुकते हुए अपने पैरों के अंगूठों को छुइए। अगर आपसे पहले दिन या दूसरे दिन नहीं हाथ लग रहे अपने अंगूठों को तो कोई बात नहीं, रेगुलर करने पर ही लगेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल होता है, जिनका वेट ज़्यादा होगा उनसे तो बिल्कुल ही नहीं झुका जाएगा। तो परेशान ना हो, रोज़ कोशिश करें, धीरे 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 एक दिन तो ज़रूरी लग जाएगा आपका हाथ। तो परेशान ना हो और करते रहें। अब आपको क्या करना है, अपने पैरों को थोड़ा सा खोलना है, हाथों को सीधा रखना है सामने की ओर और जैसे स्कूटी चलाते हैं ना उसी पोजीशन में खड़े रहना है। उतनी देर तक खड़े रहना है जब तक आपके थाइज में आप खिंचाव महसूस नहीं करते। और 5 बार या 10 बार, एक दिन में आप जितनी बार भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, उतनी बार आपको खड़े रहना है। और इससे क्या होता है, जो आपके थाइज और हिप्स पे फैट जमा होता है ना वो बर्न हो जाता है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको करना ही चाहिए रोज। ये वाला तो ना एंजल का फेवरेट है। जब मैं ये कर रही थी तो वो बहुत खुश हो रही थी। हमें क्या करना है, अपनी दोनों हाथों को कमर पे रख के कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे हमारे टमी का फैट बर्न होगा। तो गाइस, अभी हमें क्या करना है, अपनी बाजुओं को अंदर की तरफ मोड़ना है और पहले लेफ्ट और उसी पोजीशन में राइट की तरफ तेज़ी से मुड़ना है, फिर लेफ्ट फिर राइट। इससे क्या होता है कि जो हमारे कमर के साइड्स में फैट जमा हो जाता है वो बर्न हो जाता है। अभी अपने दोनों पैरों को खोलिए और अपनी बाजुओं को बाहर की तरफ सीधा रखिए। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट लेग को झुककर टच कीजिए। फिर ऐसा सेम राइट साइड को झुकते हुए राइट हैंड से अपने राइट लेग को छुइए। इससे क्या होता है कि जो हमारी कमर की साइड्स में फैट जमा होता है उसको बर्न होने में हेल्प मिलती है। तो 10-10 बार हर रोज़ ये भी करना। हमने खड़े होकर तो काफ़ी एक्सरसाइज कर ली, अभी हम लोग कुछ बैठकर एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपनी लेग्स को कुछ इस तरह से हिलाएंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारे थाइज में फैट जमा होता है ना वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है। गाइज, जितनी देर हो सके, 5 मिनट 10 मिनट, आपके अकॉर्डिंग जितना आपका स्टेमिना है आप इसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी इसके बाद अपनी लेग्स को कुछ इस तरह से इस पोजीशन में हम रखेंगे और अपनी कमर को पहले सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों से पहले लेफ्ट पैर को छुएंगे और अपने घुटने पे नाक लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा नाक नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मुझसे इतना झुका भी नहीं जा रहा है। उसके बाद राइट साइड को भी सेम ऐसे ही करना है, अपने घुटने पे नाक लगाने की कोशिश करनी है। पर आपसे शुरू में जितना झुका जाए उतना ही झुकिए, ज़बरदस्ती ना करें बिल्कुल। गाइज, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। इसी पोजीशन में बैठकर राइट हैंड से लेफ्ट फुट के अंगूठे को पकड़ के बाहर की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे, वो भी अपोजिट साइड की। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड को करते हुए बाहर की तरफ झुकेंगे और अपना नाक ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे।
ये एंजल बार बार बीच में आ रही थी, इसको लग रहा था पता नहीं मम्मा क्या कर रही है, इसके लिए तो सब स्ट्रेंज था बिल्कुल ये। तो गाइस ये वाला जो एक्सरसाइज है ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है और साथ में हमारे फैट को बहुत जल्दी बर्न करता है। हमें ये 5 5 बार शुरुआत में लेफ्ट साइड की तरफ करना है और 5 बार ही राइट साइड की तरफ करना है। अगर लेफ्ट वाला पैर बाहर की तरफ रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड को ही झुकते हुए नाक ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है, और वैसे ही राइट साइड की तरफ अगर पैर रख रहे हैं तो राइट साइड को ही झुकते हुए नाक लगाना है नीचे। इससे हमारी कमर की साइड का और पेट का फैट बहुत जल्दी बर्न होता है। इसके बाद इस पोजीशन में बैठें और अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने हाथ ऊपर लेके जाएं, फिर आगे की तरफ झुकते हुए अपने पैरों को छूने की कोशिश करें। अगर आपसे आपके पैर नहीं छुए जा रहे तो कोई बात नहीं, जितना आपसे झुका जा रहा है उतना ही झुकें। टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर उसके बाद अपने घुटनों को नाक लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं लग पा रही है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे देखें मेरी नाक भी बिल्कुल नहीं लग रही है घुटनों पे, और मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आज नहीं लगेगी, 10 दिन के बाद लग जाएगी, कोई बात नहीं, जितना हो उतना ही करें। दोस्तों जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सरसाइज बताई हैं वो बिल्कुल ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान है करने में। शुरुआत कीजिए इन एक्सरसाइज से, फिर धीरे 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 हम लोग और हार्ड करते जाएंगे। यकीन मानिए अगर आप ये अपनी रेगुलर लाइफ में लेके आते हैं इन एक्सरसाइजेस को, आप खुद फर्क देखेंगे अपने आप में। आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी धीरे धीरे, फिर आप और हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यकीन मानिए मेरा, आपका वेट लूज होगा ही होगा। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जंक फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जंक फूड छोड़ेंगे साथ में जो तला हुआ, हम लोग समोसा पकौड़े गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, इनको छोड़ना तो मैं नहीं बोल सकती, एकदम से कोई भी नहीं छोड़ पाता जो लोग खाते हैं, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना क्वांटिटी को, तो उसको कम कर दीजिए बिल्कुल। और रात का खाना 7 या 7:30 इससे पहले खा लीजिए, और इसके बाद अगर आप लेट होते हैं खाना खाने के लिए तो बिल्कुल खाना मत खाइए। रात का खाना हमारे शरीर के लिए एक जहर के समान होता है। हमारे पेट को बहुत दिक्कत होती है रात का खाना पचाने में, तो रात का खाना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7:30 बजे खा लीजिए। और अपना ब्रेकफास्ट रेगुलर रखिए और अपना लंच रेगुलर रखिए, और बिल्कुल टाइम पे खाइए। जो टाइम अगर आप 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते तो 9 बजे तक खा लीजिए, और अगर आप लोग लंच 1 2 बजे तक करते हैं तो कर लीजिए। अपने खाने पीने में और अपनी एक्सरसाइज में रेगुलरिटी रखिए। रेगुलर रहेंगे तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती जाएगी, वेट लूज होता जाएगा और आप बिल्कुल बिल्कुल फिट नज़र आएंगे। तो दोस्तों जो मैंने कहा है प्लीज़ अपने जीवन में उतारें और हेल्दी रहें। तो गाइस जो मैंने आप लोगों को हेल्थ टिप्स दिए और साथ में एक्सरसाइज बताई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे और हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं आने वाली और वीडियोस में और टिप्स और एक्सरसाइज बताऊंगी उनको भी फॉलो करते रहें। तो गाइस वेट लूज करने के रिगार्डिंग मैं और भी वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहूंगी, तो उन्हें देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और साथ में अपने कमेंट्स भी दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।